सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप देख सकते हो इसमें कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर मैंने लिखे हैं और ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो इधर भी मैंने लिखे हैं, ठीक है, और इधर भी लिखे हैं, तो आप लोग देख सकते हो। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है, मेरा नाम विकास। इस वीडियो में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आपको सॉल्व जरूर करना है। अगर चैप्टर नंबर 2 से कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो देखते हैं यहां पर, तो चैप्टर का नाम है यहां पर भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है, अध्याय आपका 2 है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये वाले, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण है, तो इनको आपको तैयार जरूर करना है। तो चलो देखते हैं यहां पर। सबसे पहले तो यहां पर ये सारे मैंने क्वेश्चन लिए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं सबसे पहले कि भाई प्रश्न नंबर एक, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे, ठीक है। तो ए नंबर विकल्प है वर्ष 1915 ईस्वी में, बी नंबर विकल्प है वर्ष 1916 ईस्वी में, सी नंबर विकल्प है वर्ष 1918 ईस्वी में और डी नंबर विकल्प है वर्ष 1920 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत जो लौटे थे वो लौटे थे वर्ष 1915 ईस्वी में, यानी विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था, तो भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया, ए नंबर विकल्प है चंपारण, बी नंबर विकल्प है बारडोली, सी नंबर विकल्प है अहमदाबाद और डी नंबर विकल्प है खेड़ा। तो भारत वापस जब आए महात्मा गांधी जी तो अफ्रीका से, तो उन्होंने पहला जो सत्याग्रह किया वो कहां पर किया था, आप जानते होंगे चंपारण में, ठीक है। आप राजेंद्र प्रसाद जी की एक पुस्तक पढ़े होंगे चंपारण में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रचना भी है हिंदी में आपके, कि भाई चंपारण में महात्मा गांधी, मतलब अफ्रीका से भारत जब आए महात्मा गांधी जी तो चंपारण में उन्होंने पहला सत्याग्रह अपना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने फिर पुस्तक लिख दी, आप जानते हो महात्मा गांधी के बहुत ही अच्छे अनुयायी यानी सपोर्टर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे प्रथम कौन थे, राष्ट्रपति, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था, पोरबंदर में, दांडी में, वर्धा में या चंपारण में। पोरबंदर में तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। और दूसरी बात, दांडी, वर्धा, चंपारण, चंपारण में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था और यहाँ पर बी नंबर विकल्प है दांडी। तो दांडी यात्रा, गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यात्रा थी, आप जानते हो वहाँ पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, नमक बनाना स्टार्ट किया था दांडी में, ठीक है, गुजरात में है ये सारे स्थान। तो यहां पर गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया, दांडी में, ठीक है, नमक कानून मतलब तोड़ दिया था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो टैक्स बहुत लगाते थे नमक पर, नमक भाई सभी की जरूरत होती है, लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, कर बहुत लगाते थे, टैक्स लगाते थे। तो गांधी जी ने नमक बनाया, क्योंकि वहां पर कोई नमक पहले बना नहीं सकता था, जो भी इंडियन था सारे अंग्रेज ही बनाते थे। तो ये सारी चीजें गांधी जी ने की, बहुत सारी चीजें। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी कहां पर की थी, किस लिए की थी, ए नंबर विकल्प है रॉलेट एक्ट के विरोध में, बी नंबर विकल्प है क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, सी नंबर विकल्प है उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु नमक कानून तोड़ने हेतु। तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी वो क्यों की थी, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ठीक है, तो यहां पर नमक कानून तोड़ने हेतु, यानी नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ दिया दांडी यात्रा करके, तो आप याद रखना। तो चलो अब बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे जो है, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन यहां पर आप लोग देख सकते हो, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, यानी गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया उसका जो कारण क्या था। तो यहां पर ए नंबर विकल्प है रॉलेट एक्ट, बी नंबर विकल्प है प्रथम विश्व युद्ध, सी नंबर विकल्प है खिलाफत आंदोलन और डी नंबर विकल्प है चौरा चौरी की घटना। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, आप जानते होंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था भाई, एक ऐसा कानून था जो कि भारतीयों को, केवल भारतीयों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे, मतलब कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, जिसे मनचाहा उसको वो लोग जेल में डाल देते थे, यानी डाल सकते थे, इस तरीके का कानून पारित किया गया था, ठीक है, जो भी संसद थी उस समय की।
तो गांधी जी ने यहाँ बहुत सारे इंडियन विरोध किए, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा अमृतसर में हुआ था, तो ये सारी चीज़ें फिर इसी के कारण हुई थी। और अमृतसर वाली घटना तो यार मतलब दिल दहला देने वाली घटना थी। तो यहाँ पर देखो रॉलेट एक्ट, ठीक है अभी आगे मैं और समझा दूंगा। प्रश्न नंबर 6 कहता है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, वर्ष 1918 ईस्वी में या वर्ष 1919 ईस्वी में, वर्ष 1920 में या वर्ष 1921 ईस्वी में। तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था वो पारित हुआ था वर्ष 1919 ईस्वी में, आप लोग ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 15 अप्रैल 1919 को, 12 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को या 11 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कभी कभी केवल 1919 देता है क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो रॉलेट एक्ट के विरोध में ही हुआ था। मतलब बहुत सारे एक मेला लगा हुआ था जलियांवाला बाग, उसको बोलते थे उस स्थान का नाम अमृतसर में, ठीक है। तो वहां पर एक मेला लगा हुआ था और बहुत सारे लोग मेला देखने गए थे और कुछ जो विरोधी थे रॉलेट एक्ट के वो भी वहां पर पहुंच गए थे। तो वहां पर जनरल डायर आया, आप जानते हो अंग्रेज कितना मतलब क्रूर थे। जनरल डायर अपने अनुयायियों को अपने साथियों को बोला कि भाई यहां पर गोली चला दो, सभी को मार दो। तो उन्होंने गोली चला दी, बौछार कर दी और वहां पर एक कुआं भी था, उसमें बहुत सारे लोग कूद कर जान दे दिए। और यहां पर जो अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसीलिए हत्याकांड नाम पड़ा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों की जाने गई, हजारों मतलब कितने आप देख लेना गूगल कर लो। तो यहां पर ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगला क्वेश्चन कहता है 8वां, ठीक है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। भाई बिल्कुल सिंपल है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व ए नंबर विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर विकल्प है मोतीलाल नेहरू, सी नंबर विकल्प है लोकमान्य तिलक ने और डी नंबर विकल्प महात्मा गांधी। तो ऑब्वियसली सी बात है महात्मा गांधी। तो ये सारे क्वेश्चन सरल भी हैं, अगर आप एक एक को पढ़ लोगे तो एक से रिलेटेड बहुत सारे आ जाते हैं, इसीलिए मैं इनको शामिल किया हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं, इनमें से कोई ना कोई आएगा पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न नंबर 9 कहता है करो या मरो का नारा किसका था, तो करो या मरो का नारा ए नंबर विकल्प है सुभाष चंद्र बोस जी का, बी नंबर विकल्प है चंद्रशेखर आजाद जी का और सी नंबर विकल्प भगत सिंह और डी नंबर विकल्प महात्मा गांधी। तो करो या मरो किसका नारा था, आप जानते हो करो या मरो, करो या मरो किसका नारा था भाई, महात्मा गांधी जी का, इसलिए सी बात है ये भी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद 10वां क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो असहयोग आंदोलन बोला है कब प्रारंभ किया महात्मा गांधी ने, 1919 ईस्वी को, 1920 ईस्वी को, 1921 ईस्वी को, 1922 ईस्वी को। तो गांधी जी ने जो अपना असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था वो 1919 ईस्वी को, क्यों, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में, है ना, रॉलेट के विरोध यानी विरोध में। तो ये आप लोग याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और एक 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 से कनेक्टेड है, मतलब अगर आप एक तैयार करते हो तो उसके साथ आपके और भी लाइन से तैयार होते जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। तो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ए नंबर विकल्प है 1920 ईस्वी को, बी नंबर विकल्प है आपका 1927 ईस्वी को, सी नंबर विकल्प 1930 ईस्वी को और डी नंबर विकल्प 1935 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था वो चलाया गया था 1930 ईस्वी को। एक यहाँ पर कनेक्टेड टॉपिक है कि भाई जो महामंदी प्रारंभ हुई थी 1929 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी, आप जानते हो महामंदी, आर्थिक महामंदी, तो उसके एक वर्ष बाद ही जो है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने ही नेतृत्व किया था इसका भी, तो आप ये भी ध्यान रखना। उसके बाद आगे बढ़ावा क्वेश्चन कहता है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए, तो भाई जो साइमन कमीशन था वो भारत आया था और साइमन कमीशन बहुत ही क्रूर कानून था और उसका विरोध भारतीय करने पहुंचे थे, तो मतलब पुलिस ने लाठियों का चार्ज कर दिया, तो कौन इसमें शहीद हुए थे, तो वो हुए थे मोतीलाल नेहरू या लाला लाजपत राय या पाल कृष्ण गोखले या देशबंधु चित्रंजन दास। तो यहां पर हुए थे लाला लाजपत राय जी, तो आप ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 13 वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे, तो वंदे मातरम गीत के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर या सोहन द्विवेदी या बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो कौन थे भाई, तो राम ओबियसली सी बात है वंदे मातरम आपको याद होगा, बहुत जनरल नॉलेज में आता है। तो यहां पर
जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ये हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1882 ईस्वी में या 1884 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में या 1886 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी तो कब हुई थी, वो हुई थी 1885 ईस्वी में। आप जानते हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर, उसको भी आप याद कर लेना, इसके बारे में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, लाहौर अधिवेशन। तो चलो आगे बढ़ें, आगे आपका आता है प्रश्न नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ भाई, जून 1942 को या जुलाई 1942 को, अगस्त 1942 को या सितंबर 1942 को। तो भाई हमारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, अगस्त, 15 अगस्त, तो पिछली से बात है अगस्त 1942, ठीक है, ये आप ट्रिक है याद कर लेना। तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई ये इतने सारे क्वेश्चन आपको बताए थे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय वाला चैप्टर। तो अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और मेलो माइलो भाई एकदम शांत बैठा बेचारा, हाय कर, हाय कर दे माइलो, इधर देख, इधर हाय कर दे यार, इधर ये देख, देख हाय कर दोस्तों, हाय हाय कर दो। तो यहाँ पर भाई ये मतलब शांत था, वैसे शांत नहीं हो रहा था, वीडियो बनाने के लिए बहुत डांटा तो शांत हुआ, चल सो जा, सो रहा था। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और बस तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहो, मस्त रहो, बाय, गुड बाय, नहीं भाई ठीक है, आगे मिलेंगे।